स्टूडेंट्स माई सेल्फ जेवीएन कविता शर्मा फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस ज्योति विद्यापीठ वीमेंस यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स आज हम माहेश्वर सूत्र के पार्ट टू के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। हाँ अब है अकारो ब्रह्म रूपम स्या निगुण सर्वशुद्ध चित्कालीन समाश्रित जगत रूप पूर्णेश्वर अकार सर्वग्राह्य प्रकाश परमेश्वर आदमयते संयोगा दमी जायते सर्व परमात्मा पूर्व ज्ञापित मात्र गीत मिदम जगत ज्ञापते बभूर पश्यन्ति मध्यमा वाक् तत्स्मृता वक्त्रे विशुद्ध चक्र वक्ते विशुद्ध चक्रा के पेखरी समता तत् ये उनीश्वर जो जो माहेश्वर सूत्र है ये क्या है जो पाणिनि ने क्या किया पाणिनि ने क्या पाणिनि थे जो उन्होंने क्या किया उन्होंने वो क्या थे कि उनसे उन्होंने एक अष्टाध्याय ग्रंथ की रचना की। जब उन्होंने अष्टाध्याय ग्रंथ की रचना की तो उसमें ये बताया कि जो ये माहेश्वर सूत्र थे तो ये क्या है उन्होंने 14 बार जो डमरू बजाया भगवान शिव ने उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और उसके बाद में 14 बार माहेश्वर सूत्र से उन्होंने जो डमरू बजाया ना उससे क्या हुआ उनका उनसे उसका क्या हुआ अष्टाध्याय जो माहेश्वर सूत्र थे उनको उनकी क्या उत्पत्ति हुई। इसमें सबसे पहले है आई उण है। अब आई उण है जो इसमें क्या है अकारो ब्रह्म रूप स्यानीर गुण बहुशु चित्तकालीन समाश्रित जगत रूप उणीश्वर अकार सर्वग्राहण सर्वाणा सर्वाणा ग्रह प्रकाश परमेश्वर आदि मन्ते संयोगाद मित्ते जायते सर्व परमात्मकं पूर्व ज्ञाप्ति मात्र जगत ज्ञाप्तेर बभूर पश्यन्ति मध्यमा वाक् तत्स्मृता। ये इसमें ये है कि जो जो आई उन जो माहेश्वर सूत्र अकार ब्रह्म जो अकार जो ओकार जो हमारा जो ब्रह्म है उसका जो है निर्गुण सर्व सु मतलब कि वो क्या है सर्व है सर्वकालीन है सर्व वो है पूरा सर्व सर्व निर्गुण है सर्व सब कुछ है वही क्या है उकार अकारो जो ब्रह्म रूप है जो भगवान शिव है चित्तकालीन समाश्रित जगत गुणेश्वर अकार है ये क्या है जो भगवान है शिव है वो क्या है सब कुछ वही है आदि मध्य मतलब आदिर मध्य संयोगान द मित्ते जायते मतलब आदिर मध्य जो संयोग है उनसे जायते जो फिर सर्व है परमात्मकम पूर्वम ज्ञाति मात्र मिदम जगत। ये कह रहा जो जगतपति है सर्व परमात्मकम पूर्व ज्ञाप्ति मात्र मिदम जगत वक्त्रे विशुद्ध चक्राखे भेखरी सामता मत तत् सृष्ट्या विदर्भा मासा मध्यमा वाक् समामता अकारम सनिधि कृत जगता कारणत्वम इकार सर्वाणाम शक्तित्व कारणम उद्गतम। तो इसमें बताया गया है कि जो ब्रह्म रूप है वो जो अकार है वो ब्रह्म निर्गुण है निर्गुण उनिश्वाकार है सर्व सर्वर्ण की क्या है प्रकाशमान है वो है परमेश्वर। ठीक है। फिर आदिर मध्य जो संयोग है मित्ते जायते सर्व परमात्मा पूर्व ज्ञाप्ति जगत। ठीक है। फिर आगे वाले आगे है जगत सृष्टुम विदिच्छि भूतिच्छा यदा हयादिस्त तदा अभवत् काम विजिमिति प्रादुर्मुनि वेद पारंगा अकार ज्ञाप्ति मात्रम ज्यादिर काश्चला मता उकारो विष्णु इत्यादि व्यापक माहेश्वरम। यह है कि जो जगत है जो सृष्टि के जो रचयिता है यदा हासित अभवत है काम बीजिए। ठीक है। फिर वेद पराग है अकार है ज्ञापित मात्र है। ठीक है। स्यादित का चित्कला मता उकारो विष्णु आहित व्याकरण महेश्वर है। फिर है रिल ऋक। ठीक है। अब रिल ऋक में क्या है सर्वेश्वरो माया मनोवृत्ति मदृश्यत तामे वृत्ति माश्रित जगत द्रुम जी जीजनत व्रतिर व्रति। ठीक है। व्रतो अभेद लेशो न विद्यते।
चंद्र चंद्रयो यथा वागत वागर्थ योरपि स्वेच्छा स्वेच्छ विश्व मुनि मत्स्यो ब्रह्म वर्णना मध्य क्लीन मृलु विदु। इसमें क्या है, जो जगत है, जो सृष्टि है, भूमि यथा खासित अभवत, ठीक है, तो आकारों क्या ज्ञाति मात्र से विष्णु विष्णु माहेश्वर सूत्र ब्रह्मा, ठीक है। त्रिलोक त्रिलोक है सर्वेश माया, मतलब ये सभी इनकी माया, ये मनोवृत्ति अंतर्देश तामे वृत्ति माशित है। जगत गुरु जो है उन्होंने वृत्ति, इसमें क्या होगी, इसमें आदि भेद लेशों ने विद्यते, ठीक है। फिर चंद्र चंद्रिका यो यथा वागर्थ यूरोपी, ठीक है। फिर उसके बाद में है स्वस्य छी तोर मुन्मी तेयस्यो वर्णना मध्यम क्लीम मृलो वर्ण द्वयम् विदु, ठीक है। फिर उसके बाद में है एवंगे, जो माहेश्वर आत्मना मातेक्यम विज्ञानम सर्वसत्तुषु साक्षित्वम सर्वभूतानां स एव इति निश्चितम एवंगे, ठीक है। अब एवंगे क्या है, एवंग से क्या हुआ, ब्रह्म स्वरूप सन जगत सर्वात्म, मतलब कि जो ए होंगे ये कि ब्रह्म स्वरूप सन जगत जो पिता परमात्मा है सर्व सवानतम तत् इच्छा विस्तृत कर्तुम वीरान सिन महामुनि। फिर है हयवर्ण, तो इसमें भूत पंचक में, ठीक है, तस्मात् देह महेश्वरात् व्योम जो है व्याप आख्यन भूतान आसित स एव ही हकार आदो हकार आदो युदुरुच्यते। हकार जो हकार है व्योम के संज्ञक, यकार वा दयारु त्रकार दभिन स्योतम तुब अकार आदिति सेव इति पाक, ठीक है। फिर है लण, अब आधारभूत क्या है, लण आधारभूतम लणम भूतान भूता मदीनाम च कारणम, ठीक है, कि जो आधारभूत है भूता मनी मन्ना दीनाम च कारणम क्या है, कि जो भूत आदि, ठीक है, आदिनाम जो कारणम है अन्नाद्रेत, ठीक है, अन्नाद्रेत जीव कारणम, ठीक है, त्वाल निरितम। फिर है यम गणम शब्द स्पर्श, मतलब जो स्पर्श शब्द है रूप रूप रस गंध यम गणम, मतलब कि जो स्पर्श व्यंजन है, जो स्पर्श वर्ण है जैसे यम गणम रूप रस गंधाश्चय, ठीक है। फिर व्योमादिना गुणा है ये जन जानी जानिया सर्वसु, ठीक है। फिर है झभय वाक पानी चय झमिया सिद्ध विरांग पचितात्मन है, तो ये क्या सर्व जंतुषु, लेकिन ये क्या सभी जंतुषु विज्ञेम स्तर वादो न विद्यते, तो वर्गाणाम तुरी वर्णा ये कर्मेंद्रिया ही, ठीक है, आप कर्मेंद्रिया ही। फिर उसके बाद में घड़दश, घड़दश क्या है कि जो सर्वभूतों में पाप युद्ध उपस्थकम कर्मेंद्रिय गणा हयते जाते इति परमार्थक है, ठीक है। ये क्या है, जो गर्दश है सर्वभूतों में पाद पायु उपस्थितक कर्मेंद्रिय गण, ठीक है, हये जाता इति परमार्थकम, ठीक है। फिर आगे जब गर्दश श्रोत्वंग घ्राण जिह्वा पंचेंद्रिया पंचकम, ठीक है, ये क्या है सुनना त्वंग देखना घ्राण जिह्वा, ये क्या है कान नाक गला, ये हमारी क्या है जो पांच इंद्रिय सुनना बोलना, ठीक है, घ्राण जीवा जीवा सर्वेशाम अपि जंतुना मेरीति, ठीक है। फिर उसके बाद है सर्वेना सर्वेशाम अपि जंतुना मेरीतम। फिर है जब गर्दश खट छट तव, फिर इसमें क्या है कि जब प्राणा दीप पंचकम चे मनोबुद्धि आकृति, ठीक है। फिर है इसके बाद में वर्ग द्वितीय वर्ग वर्णोत्थान प्राणादे पंचवायु मध्य वर्ग त्राय जाता अंत करने व्रतम। तो इसमें ये क्या है कि जो जब गर्ज प्राणी पंचकम चे मनो बुद्धि पक आकृति, ठीक है, बबू है कारणम मित्व खप खै फ छट चट तव वर्ग द्वितीय वर्ण वर्ग का दूसरा वर्ण प्राणदे प्राण का जो प्राण जो कौन से जो यत्न है, यत्न के अंदर क्या है प्राण, प्राण कितने होते हैं पांच होते हैं, प्राण का वायव्य पांच मध्य
वर्ग संजायता अंतकर्ण वृत्ते, जो मध्य वर्ग है उसका अंतकर्ण का मध्य वर्ग, ठीक है। फिर है कपय, कपय में क्या हुआ, प्रकृति पुरुष चे सर्वेशामेव समतत्व समभूतमिति विज्ञेयम् कपयम् स्यादिति निश्चितम्, कि प्रकृति और पुरुष, ठीक है, सर्वेशम सम मतलब क्या है, बराबर समभूतमिति विज्ञेयम्, ठीक है। फिर है कपय स्यादिति निश्चितम्, मतलब कि इसमें क्या सब निश्चित है। फिर है शेषशर, तो शेषशर जो सूत्र है इसमें क्या है, सत्वम रजतम इति गुणानां त्रयम् पुरा, इसमें क्या है सत्य रजतम रज, देखो क्या क्या है, फिर देखो सत्वम रजस्तम इति गुणानां त्रय, तीन गुण है सत्व रज और तम, ठीक है। फिर समाश्रय महादेव, समाश्रय मतलब कि समाश में किसमें, महादेव में, शेषशर क्रीडति प्रभु, शेषशर क्या है क्रीडति प्रभु। फिर शकार आद शकारा जो शोध भूति शकारा ताम शोध भव, ठीक है, तो शकार भारद्वाज शोध भूति शकार आत्म शोध भव। फिर है सकारा तो सत्व संभू रीति, ठीक है, त्रिगुण संभवम, सकारात्म में क्या है सकारात्मक सत्व संभ रीति, ये क्या है तीन गुण है, कौन कौन से है सत्व रजस तम, इति तीनों गुणों का क्या है इसमें समावेश है। फिर है तत्वातीत परम साक्षी सर्वानुग्रह विग्रह है आत्मा परो हल स्यादिति संभूरिति दोस्त है, ये क्या है तत्वतीत परम साक्षी सर्वानुग्रह विग्रह अहमात्मा परो हल, जो हमारे स्यादिति है और संभू है रोधते हैं, तो अर्थात जो ये जो है जो ये श्लोक था इसके अंदर ये बताया गया है कि जो माहेश्वर सूत्र में जो है पाणिनि ने क्या किया है कि जो अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की है उसमें सबसे पहले उपदेश और उच्चारण किसे बताया, उसमें 3997 सूत्र है, 1900 धातुएं हैं, 10 गण हैं, इन सबको उन्होंने क्या बताया है उपदेश बताया है। तो जो ये है प्रकृति पंच पुरुष जैसे है, तो प्रकृति और पुरुष सब सर्वेशा में एक सम्मत है, मतलब कि सब में क्या है सम्मत है, सब में क्या है प्रकृति पुरुष सब में क्या है एक ही चीज है सम्भूत विधि विज्ञान कपे है, तो इसमें क्या इन सब में सब चीज क्या है निश्चित है, प्रकृति के अंदर क्या चीज के निश्चित है, और जैसे उसी तरीके से तीन गुण है सत्व रजतम इति गुणानां त्रयम् पुरा, कि जो सत्व रज इति गुणानां त्रयम् पुरा। फिर समाश्रिते महादेव, जो सम जो महादेव उनके उनके अंतर्गत सम सम समाश्रित है, मतलब कि सब आश्रित, शशिशर क्रीडति प्रभु, तो शशिशर क्या है क्रीडति, शकारा द्वाज शोध भूति जो है शकार जो है जो शोध भूति शकार शकारो, ठीक है। तो इसमें ये बताए जो सत्व आत्मा, ठीक है, सत्वम रजतम इति आत्म है ना, तो ये क्या है आत्मा, तो ये हमारी इंद्रिया जो ही इन सब में भी क्या है ये गुण संभव है। तो इसी तरीके से इन जो माहेश्वर सूत्र है उसमें ये बताया गया है कि जो गुण है किस तरीके से प्रकृति के किस तरीके से एक प्रकृति को सबका समावेश करके है ना, भगवान शिव ने जो 14 माहेश्वर सूत्र है इनकी क्या की, उन्होंने उत्पत्ति की है, और ये किस तरीके से क्या करते हैं महत्व रखते हैं। तो इसमें क्या है कि इसके इम्पोर्टेंस के लिए हमें क्या करना, सबसे पहले जैसे हमें किसी प्रकार को जानने के लिए हमें क्या करना है व्याकरण की आवश्यकता होती है, तो उसी तरीके से हमें क्या होता है संस्कृत व्याकरण को जानने के लिए हमें इस संस्कृत भाषा को जानने के लिए हमें संस्कृत व्याकरण की आवश्यकता होती है। तो उसी तरीके से क्या है जिस संस्कृत व्याकरण को जब जानने के लिए हमने किया, तो हिंदी भाषा में और इसमें अंग्रेजी में तो क्या होता है हम डायरेक्टली अल्फाबेट के अनुसार पढ़ते हैं, पर संस्कृत भाषा में अल्फाबेट के साथ साथ हमें माहेश्वर सूत्र के भी के बारे में भी हमें अध्ययन करना होता है, क्योंकि इसके बाद इसके माध्यम से ही हम आगे पूरे जितने भी वर्ण है वर्णों की जो उत्पत्ति है इन सब के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि इनके अध्ययन से ही हमें क्या होता है आगे के जो गण है आगे के जो सूत्र हैं, और जो जब अगर हम इनका उच्चारण ढंग से करना सीख जाएंगे तो हम आगे भी
इनके उच्चारण के अनुसार ही हम क्या कर सकते हैं, आगे की जो व्याकरण ग्रंथ है या आगे के जो सूत्र है श्लोकों का हम उच्चारण कर सकते हैं। जिस तरीके से हम साहित्य को जानने के लिए हम क्या करते हैं, श्लोकों को उच्चारण करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं उसमें छंद का, जैसे कोई भी छंद है तो हम छंद छंद की क्या करते हैं, रिदम पे उसके लघु गुरु के सबके बारे में हम क्या करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, है ना। तो इसी तरीके से हम भी क्या करते हैं, संस्कृत व्याकरण को जब जानते हैं उसके बारे में, तब हम क्या करते हैं उसमें भी सबसे पहले हम उसके व्याकरण को ज्ञान करते हैं। व्याकरण को जानने के लिए हमें सबसे पहले माहेश्वर सूत्र और वर्ण संस्कृत व्याकरण के जो वर्ण है उनका अध्ययन करना पड़ता है। और जो ये जो माहेश्वर सूत्र है ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। तो इसमें जिस तरीके से ये बताया था कि सत्व जो थी तीनों गुण क्या है, ये इन सब में समाहित किस में है, महादेव में। तो आज के वाले सेशन में हमने माहेश्वर सूत्र के पार्ट टू के में अध्ययन किया है, अब हम इससे आगे के बारे में अध्ययन करेंगे। सो थैंक यू।